आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज बरेली से शुरुआत हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश खंडित हो रहा है, देश में दूरियां बढ़ रही है। चुनाव से ज्यादा जरूरी देश को जोड़ना है। चुनाव हारे या जीते ये जरूरी नहीं। कांग्रेस के मतवाले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए बरेली पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। आइए उनसे बात करते हैं। इस यात्रा के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक बहुत दूरगामी संदेश है। इस समय प्राथमिकताएं हर पार्टी की अलग अलग हैं शायद, लेकिन हमारी प्राथमिकता जो राहुल जी ने हमको दी है वो प्राथमिकता है कि पहले इस देश को जोड़ो। चुनाव जीतो चुनाव हारो कुछ होने नहीं जा रहा है। अगर देश जैसी नहीं रहा तो फिर आपके चुनाव के परिणाम क्या रहेंगे? डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इस देश को जोड़ना है और ये कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, भारतीय जनता पार्टी वाला भी नहीं कह सकता कि पिछले 10 साल में जो परिस्थितियाँ इस देश में बनी हैं उसमें जो हमें आपस का लगाव था, जो समाज में लगाव था, वो कम हुआ है। कहीं कहीं पर उसमें दूरी आई है, हम खंडित हुए हैं बीच में। वो नहीं माने कि उन्होंने किया है, हमारा ये मानना है कि उन्होंने किया है। नहीं किया होता तो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे होते। हम इसलिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं। हम में कहीं ना दूरी का कारण है, हम में ना कोई बंटवारे का कारण है, और अगर नहीं है तो हम एक दूसरे को मित्र मान के, दोस्त मान के, एक परिवार का मानकर क्यों नहीं रह सकते हैं? अगर कहीं पर हमको एक दूसरे के समक्ष बैठकर कुछ एडजस्टमेंट करना है, कहीं ना कहीं कोई हमको वार्ता करके एक गलतफहमी को दूर करना है तो वो हम करेंगे, लेकिन हमको रहना एक है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये हमको समय मिल गया कि पिछला अगला चुनाव जो है, जो बड़ा चुनाव आने वाला है इस देश में, वो 24 में होगा, तो उससे पहले हमको ये समय मिल गया है, इसका सदुपयोग हो जाए, और वही किया जा रहा है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनुप कुमार मिश्रा, एबीपी न्यूज नेटवर्क, बरेली। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इन दिनों कनाडा के 3 शहरों के अलावा अमेरिका के भी दौरे पर हैं। तो कनाडा दौरा 2023 में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट भी होना है, जिसको लेकर कई विधायकों का और इसके साथ में कई मंत्रियों का भी दौरा है। और सतीश महाना भी कनाडा के दौरे पर है। वहां से जो तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। निवेशकों को हर संभव मदद के लिए कहा गया है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होना जा रहा है, जिसमें की कई संभावनाएं मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बात की है सतीश महाना ने, और उसी दौरान की ये तस्वीर है। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार पर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, बल्कि जीत का प्रमाण पत्र भाजपा को दे दिया है। ऐसे में सपा को मंथन की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि जब आम चुनाव होंगे तो सपा रामपुर में 50,000 वोटों से जीतेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर सपा को चुनाव हरवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बार 2024 का सेमीफाइनल मानकर निकाय चुनाव लड़ेगी। उन्होंने अनुराग भदौरिया के घर कुर्की का नोटिस लगाए जाने पर भी सरकार पर निशाना साधा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।